तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं पिवट टेबल के बारे में। पिवट टेबल क्या दूसरी क्लास है, पहली क्लास में हमने बताया था किस तरह से हम डेटा को समराइज करते हैं पिवट टेबल के लिए। आज हम बात करेंगे इसमें ग्रुपिंग, मूविंग एंड सॉर्टिंग के बारे में कि कैसे इसका यूज किया जाता है। तो इंसर्ट करते हैं इसमें हम पिवट टेबल को एंड ओके। जैसे कि मैंने मान लीजिए नेम और यहाँ पे क्वांटिटी रख दिया, तो बात करते हैं शॉर्ट की। तो आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर सकते हैं। नेम में भी इस तरह से शॉर्ट कर सकते हैं आप, शॉर्ट ए टू जेड एंड जेड टू ए, राइट राइट। इसको चार डिजिट है ना, चार खाना में तीन डिजिट है, तीन खाने में दो डिजिट है, दो खाना एक से होल्ड कीजिएगा। वन फाइव डबल सिक्स सेवन है, टू थ्री सेवन फाइव है, तो फाइव जीरो टू फिफ्टीन है, फाइव फाइव ठीक है। तो यहाँ हम शॉर्ट करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे एरिया को भी ले लेते हैं यहाँ पे, तो मैं शॉर्ट करूँगा। तो इसमें दो चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मैंने ये जो आपका नेम है, नेम का अगर कर्सर रख के शॉर्ट किया तो मेरा नेम शॉर्ट होगा, हमारा जो एरिया है एरिया हमारा फिक्स होगा। लेकिन जब हम यहाँ एरिया पर कर्सर रख के शॉर्ट करेंगे तो सिर्फ मेरा एरिया शॉर्ट होगा, नेम का जो सिक्वेंस है वो फिक्स रहेगा। लेकिन ऊपर नीचे होगा लेकिन सिक्वेंस फिक्स रहेगा। समझे सर? अब इसको मान लीजिए हम एरिया को रख देते हैं नेम में, तो नेम को भी हम मतलब कि रो से कॉलम में, कॉलम से रो में, दोनों में सॉर्ट कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों केसेस में शॉर्ट किया जा सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर जोन अपना जो एरिया वाइज शॉर्ट करना है तो राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ। अब इसमें बात आती है मूविंग की, हमारे जो एरिया में हटा देता हूँ। इसमें मान लीजिए कि जो विकास है, विकास की सेल को सबसे टॉप पे रखनी है, जो हमारा विकास है, विकास जो दिख रहा है इसमें, इसकी सेल्स को सबसे इसकी टॉपिक को सबसे इसकी जो है उसके सबसे टॉप पे रखना है मान लीजिए। तो उस केस में क्या करेंगे कि जस्ट इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ करेंगे मूव विकास टू बिगनिंग। तो आप सॉर्ट करते हैं तो सॉर्ट में क्या होता है कि उसके वैल्यू और उसके अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सॉर्ट होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपने हिसाब से रखना तो आप राइट क्लिक करके मूव कर सकते हैं। मूव में आप इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, या फिर आप इसी के अब सेलेक्ट कर लिया तो इसके कर्सर पे जाइए, इसी में इस तरह का जब पॉइंटर बन जाएगा तो इसको लेके कहीं भी मूव कर सकते हैं। और सेम चीज़ एक कॉलम वाइज भी होता है कि अगर हमने एरिया को यहाँ रख दिया और मुझे इसको सबसे फर्स्ट में रखना है तो यहाँ हम मूव यहाँ पे मूव फर्स्ट कर लेते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम आउट, या फिर इसके ऊपर इसको पकड़ते हैं और इसको अपने हिसाब से जहाँ रखना है वहाँ रख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। क्लियर सर, विदाउट इसमें? क्लियर सर, क्लियर। चलिए
ये हो गया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और शॉर्ट के बाद हम बात करते हैं फिल्टर की। तो एक बार मैं इसको एरिया हटाता हूँ। फिल्टर रिकॉर्ड नहीं हो रहा, मैंने रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी है आपको, नहीं हो रहा यहाँ पे। तो आपका जूम अपडेट नहीं हुआ है, आपको जूम अपडेट कर लीजिएगा फिर क्लास के बाद। जिन्होंने जूम अपडेट नहीं किया उनका पुराना जूम है, जूम सॉफ्टवेयर है, तो उनकी रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम है। अब यहाँ हम फिल्टर की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए मुझे कुछ पर्टिकुलर पार्ट को देखना है तो आप यहीं से फिल्टर लगा सकते हैं, इसको कॉलम फिल्टर बोलते हैं। उसके बाद अगर आप फिल्टर जो है आप दो तरह से सिटी में रख दिया तो आप सिटी को भी यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं। तो फिल्टर में दो है, एक लेवल फिल्टर है, दूसरा वैल्यू फिल्टर है। जैसे मान लीजिए कि मुझे अगर पर्टिकुलर नेम को फिल्टर करना है तो ये हमारा यहाँ पे कर सकते हैं, लेवल यहाँ पे दिया हुआ है, अपनी लेवल की कंडीशन यहाँ लगा सकते हैं कि इक्वल डज नॉट इक्वल बिगिन विद एंड विद, आप यहाँ पे फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहाँ आप जब क्लिक करेंगे वैल्यू फिल्टर पे तो आपके वैल्यू जैसे टॉप 10 हमने कर दिया तो टॉप 10 आपका सेलेक्ट हो गया। इस तरह से इसको फिल्टर कर सकते हैं। तीसरा फिल्टर आता है हमारा पेज फिल्टर। जैसे मैंने एरिया को रख दिया फिल्टर में, जब मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, जब ईस्ट को सेलेक्ट कर लिया तो पूरा पिवट टेबल ईस्ट के अकॉर्डिंग फिल्टर हो गया, तो ये हमारा पेज फिल्टर कहलाता है। फिल्टर में कई तरह के होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम एरिया को यहाँ रख दिए नेम के नीचे। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं नेम पे कर्सर रखा हुआ है तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ नेम आ रहा है, लेकिन जब मैं कस्टर जोन पे रख दिया जब क्लिक करूँगा तो यहाँ लिस्ट ऑफ जोन आएगा। तो जब आपके पास आपके रो लेवल में या कॉलम लेवल में मल्टीपल आई कॉलम्स होते हैं तो इसका ध्यान आप रखेंगे कि ऐसी प्रॉब्लम ना हो। फिल्टर के बाद हमने शॉर्टिंग कर लिया, मूविंग कर लिया एंड फिल्टर कर लिया। उसके बाद आता है ग्रुपिंग, कि ग्रुप कैसे करें, ग्रुप की ज़रूरत क्यों पड़ती है, चीज़ को जान लीजिए। जैसे अभी सिटी को नेम में रख दिया, नेम को डाल देता हूँ यहाँ। अब इसमें जैसे कि नोएडा है, दिल्ली है, जिजियन है, अब ये तीनों जो है NCR, दिल्ली यानी NCR के में आता है, लेकिन यहाँ पे क्या अलग अलग है, तो मुझे एक इकट्ठा करने के लिए यहाँ आपने डेटा में जहाँ भी दिल्ली है, नोएडा है, मुंबई है, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। बट डेटा को चेंज नहीं करना चाहता हूँ तो उस केस में आप कंट्रोल के साथ या शिफ्ट के साथ अपने सिटी को सिलेक्ट कर, फिर राइट क्लिक ग्रुप। अब देखिए ग्रुप वन आ गया, अब यहाँ से सिटी टू एंड सिटी आ गया, तो पहले जो सिटी है, पहले वाला सिटी, उसको यहाँ से रिमूव कर लीजिए और यहाँ ग्रुप वन को आप यहाँ पे चेंज कर दीजिए कि दिल्ली एंड NCR। तो इस तरह से हम ग्रुप करते हैं। ऐसे हम कॉलम में भी ग्रुप कर सकते हैं, कि जैसे कॉलम में रख दिया तो मैं चाहता हूँ कि साउथ और ईस्ट वेस्ट जो है एक, मैंने एक में आए साउथ वेस्ट के ऊपर में आए, तो कंट्रोल प्रेस करके इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके ग्रुप कर दीजिए और फिर यहाँ से एरिया और एरिया टू, तो एरिया को हटा दीजिए और यहाँ ग्रुप वन की जगह पर आप अपना डाल दीजिए साउथ वेस्ट। इस तरह से हम टेक्स्ट की ग्रुपिंग करते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप नंबर की ग्रुपिंग। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने MRP को यहाँ MRP को यहाँ रख दिया, तो मुझे चेक करना है कि किस प्राइस रेंज में कितनी ऑर्डर आती है। तो यहाँ 10 रुपये वाले 90 ऑर्डर है, 11 रुपये वाले के 66 ऑर्डर है, 12 रुपये में 56 ऑर्डर है, 13 रुपये में 62 ऑर्डर है। लेकिन इस तरह से एक एक करके देखना सही नहीं है, इसमें पॉइंट्स भी हो सकता है, डेसिमल्स में भी हो सकते हैं, तो बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमें एक स्लैब दिखे कि 10 से 20 या 10 से 100 या 100 से 200 या 1000 10000 एक स्लैब चाहिए। तो उस केस में हम इस पे कर्सर रखेंगे और यहाँ राइट क्लिक करके जाएंगे ग्रुप के अंदर। ग्रुप यहाँ हमारा स्टार्टिंग हो गया, यहाँ हमारा एंडिंग हो गया। तो मिनिमम ऑटोमेटिक आपका डेटा का मिनिमम ले लिया, मैक्सिमम ले लिया, बट यू कैन चेंज ईयर। आप यहाँ पे अपने हिसाब की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, जो देना चाहे वो आप दे सकते हैं। और यहाँ आप अपने हिसाब से डाल दीजिए कि आपको कितने का चाहिए। तो 10-10 का ग्रुप चाहिए, NOK किया। ये देखिए 10 से 19, 20 से 29, 30 से 29, 40, इस तरह से ग्रुप आपका नंबर में।
अब इसको उठा के आप यहाँ भी इसको उठा के आप एक्चुअली यहाँ भी रख सकते हैं, ये इस तरह से इस तरह की रिपोर्ट बनाई जा सकती है। आया समझ में सर? जी समझ में आ गया सर, बिल्कुल क्लियर। अब इसकी ग्रुपिंग के बाद हम बात करते हैं डेट की ग्रुपिंग। मान लीजिए कि अब मुझे एक रिपोर्ट चाहिए, मैंने डेट उठाया और यहाँ रूम में रख दिया, तो बाय डिफॉल्ट देखिए ग्रुप हो गया इस तरह से, ईयर से ग्रुप होता है, सही तरह से ग्रुप नहीं होता है, इसको हम अपने अनग्रुप करते हैं। मुझे यहाँ पर मंथली सेल चाहिए, तो राइट क्लिक किया, ग्रुप किया और यहाँ से मंथ को सिर्फ सेलेक्ट कर लिया तो मंथली आ गया। अब मेरे पास डेटा मल्टी ईयर का है तो मंथली रिपोर्ट तो गलत हो जाएगी, तो मुझे इसके साथ ईयर भी चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको ईयर सेलेक्ट कर लिया तो मंथ और ईयर आ गया। ईयर को उठा के आप चाहो तो यहाँ कॉलम में रख सकते हो, हमने कॉलम में ईयर को रख दिया तो ये मंथ वाइज और ईयर वाइज हमारा सेल्स आ गया। इस तरह से आप ग्रुप कर सकते हैं। अब मुझे मंथ मुझे अब यहाँ पे डेज वाइज ग्रुप चाहिए, मैं 15-15 दिन का गैप हमें चाहिए, तो यहाँ पे 15 डेज का गैप आ जाएगा, या फिर 90 दिन का या फिर 100 दिन का, जो भी गैप चाहते हैं उतने दिन का गैप यहाँ दिख जाएगा कि इतना तारीख से इतना तारीख में इतना सेल हुआ, इस डेट में इतना सेल हुआ। इस तरह से आप डेट वाइज भी सेल निकाल सकते हैं। ठीक है सर? ठीक है सर। सिमरन जी समझ में आया आपको? हाँ जी सर आ गया। तो आप इस तरह से फिल्टर आप लगा सकते हैं। तो आज मैंने आपके साथ कवर किया और कवर किया, सबसे पहले तो हमने शॉर्टिंग समझाया, फिर मैंने आपको मूविंग समझाया, फिर आपको मैंने फिल्टर समझाया, और फिर आपको समझाया मैंने ग्रुपिंग। चारों टॉपिक समझ में आ गया? जी समझ में आ गया। ओके, देखिए चार टॉपिक छोटे हैं लेकिन बहुत केसेस में यूज होते हैं। जैसे हम अभी देख लीजिए ना, मुझे यहाँ पर डेट वाइज ग्रुप चाहिए तो कैसे हमने ले लिया, स्लैब वाइज ग्रुप चाहिए, तो इसका यूज भी काफी ज्यादा होता है आपके पिवट केस, पिवट के केसेस में। सर मुझे एक क्वेश्चन है, ये कभी कभी डेटिंग में ना डेट के फॉर्मेट में मुझे कभी प्रॉब्लम होता है, क्यों होता वो? जैसे देखिए होता है क्या, जैसे आपका डेट, हमने डेट डाला हुआ, अब कोई डेट मान लीजिए नंबर फॉर्मेट में डल गया या कोई डेट टेक्स्ट फॉर्मेट में डल गया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। जब ग्रुपिंग का होता है कि जितने भी जो नंबर है वो सेम फॉर्मेट में होने चाहिए, अगर आपको बीच में फॉर्मेटिंग मिसिंग है तो आप ग्रुप नहीं कर सकते, चाहे वो नंबर की ग्रुपिंग हो या डेट की ग्रुपिंग हो। समझ गया? समझ गया। तो इसका ध्यान आप रखिएगा, मतलब हेडिंग में डेट है इससे पिवट रीड नहीं करता है कि इसके अंदर डेट है, पिवट रीड करता है कि इसके अंदर डेटा क्या है। डेटा अगर डेट फॉर्मेट का पूरा हुआ तो डेट कर देगा, अगर डेटा के बीच में कोई भी अदर फॉर्मेट हुआ तो फिर वो उसको नहीं कर पाएगा। ठीक है? ठीक है सर, ठीक। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि पिवट को थोड़ा सा स्लोली सीखना है, कल हम बात करेंगे कैलकुलेशन। ओके, तो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिकॉर्डिंग, मैं थोड़ी देर में भेज देता हूँ।